जुनून है ये। बेटों को तो आपने बहुत बार ये कहते सुना होगा कि हमें जो है अपने माँ बाप के लिए ये करना है, वो करना है, घर बनाना है, ये बनना है, बनना। पर बेटी जो है पहली बार आपने ये ख्वाहिश देखी होगी कि बेटी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाह रही है और इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ करूंगी। बस इस तरह आप प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए, क्योंकि मैं मारा बेबी आज कल पकौड़े बड़े शौक से खा रही है, आइसक्रीम कभी उसे टाटा बाय बाय कहा हुआ है। सर्गर्मियों में तो क्या हालत कराची की रहती है कि बस क्या बोलूं मैं, तो बस सर्दियों में जो जितना करने करने थे। और योर फॉफो मुझे बिल्कुल नहीं पता था आरजे मॉल में भी ये है, नहीं तो मैं मतलब आरजे मॉल का भी देखते कभी चक्कर लगाते। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आरजे मॉल जो है मैं सिर्फ एक बार गई हूँ, मैं ज़्यादा वहाँ गई नहीं हूँ, तो शायद होता था इसलिए मुझे नहीं पता सेकेंड फ्लोर का, और चक्कर तो बनता ही क्योंकि आरजे मॉल तो करीब है, देखते हैं कभी वहाँ कभी दिखा दूंगी क्या है। और दूसरी बात साइमा फजान थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। चले फिर आज के ब्लॉग को जो करते स्टार्ट, फरा आसे मंथली न्यू हैप्पी न्यू ईयर और थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। आपने मेरी वीडियो देखी, कमेंट किया, गजब का हलवा आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चले फिर ब्लॉग को जो करते स्टार्ट। और अभी जो है पापा ऑफिस से आए हैं और वो मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं, चले फिर आपको दिखाते हैं। बाप ऐसे ही होते हैं कि उन्हें कुछ पता चल जाए, उनके बच्चे को पसंद है वो अरेंज करते हैं, तो उन्हें पता चलिए कि मारा बेबी आज कल पकौड़े बड़े शौक से खा रही है, आइसक्रीम कभी उसे टाटा बाय बाय कहा हुआ है, इसलिए पकौड़े में टूट पड़ी है। तो चलिए इसको जो है इंजॉय करते हैं, फिर आपको वो चीज़ दिखाते हैं जिसका आपको इंतजार। जी हाँ, दराज से जो सामान आया जो कि अनबॉक्स नहीं हो पाया था, कल हमने भी उसको अनबॉक्स नहीं किया था, हम लोग जो है भाभी के साथ चले गए थे मार्केट शार्केट, तो अभी जो है उसको अनबॉक्स अभी का करती है, फिर आपको दिखाते हैं पकौड़े इंजॉय करती हूँ पकौड़े। क्या है पार्सल खोलने का, ये मैंने तीन दराज से ऑर्डर किए थे, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ठीक है, जब तक ये पैक नहीं खुला तब तक जितने पार्सल्स आए हैं। तो ये मैं पहला पार्सल जो है सबसे छोटा जो पार्सल है ये मैं खोल के देखती हूँ इसमें क्या आया है। और इसमें आया है कलर चेंज ब्रश। अच्छा चलो ये वाला थोड़ा चेंज हो गया, क्या हुआ? नहीं, क्या हो सकता है, क्या लगता है? चलो खोलो ना जल्दी, खोलो जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो खोलो। ये रहा गुड सेंट गुड वाइब्स, क्या है ये वाइब्स? ओहो ये क्या मंगवा लिया आज तो सभी का, मैं घर में परफ्यूम की दुकान खोलेगी, पर मैं दराज में जाऊंगा और परफ्यूम ना मंगवाऊं, और आजकल इस वाले परफ्यूम की तो मैं दीवानी हुई पड़ी हूं, तो मैं ये ना मंगवाऊं ये ऐसा हो नहीं सकता। ये चेक कर लो, ये दराज में टेस्टर्स मिलते हैं 5 ml के, 180 के, 180 के 5 ml, हाँ टेस्टर्स होते हैं ये, आई नो महंगे हैं पर। अच्छा बता तो दो ये ब्रश कितने का तुमने मंगवाया? ब्रश जो है मैंने 160 का किया था, और मैं देख के भी कंफर्म कर दूंगी तुम्हारी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस जो हमें नहीं मिले ना हमने वहीं से ले लिया, कलेक्शन पॉइंट से कलेक्ट कर लिया। फ्लोरेस हाँ, और ये मैंने ओके यूज करोगी? हाँ बैठी रहती हूँ। चलो जी कैसा है? बहुत मजे का, मजे का, मजा आ रहा है, अपने कपड़ों में लगाती हूँ परफ्यूम लगाओ और मजा आ जाए, वो वाली खुशबू मिलती है। दूसरा दिखाओ कौन सा है भाई? दूसरा मैंने मंगवाया था मैरी मी, ये रिकमेंडेड हस्बैंड्स कर रहे थे कि हम अपनी वाइफ के लिए लेंगे, मैंने खुद अपने लिए ले लिया, मैंने कहा मेरा तो कोई हस्बैंड आए तो मैं अपने लिए ले लेती हूँ। चलो अच्छी बात है, अपने लिए इंसान सेल्फ ज़्यादा खुश है, सही, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू है। चलो लगा लो कपड़े में, दुपट्टे में लगा लो इस भाई, ये दुपट्टा मैं भी ओढ़ती हूँ कभी कभी, लगा लो ना, मैं भी ओढ़ती हूँ ना, लगा लो, चलो शाबाश, दुपट्टे में एक बफ मार दो, शाबाश। चलो
आउटस्टैंडिंग। ये कितने का मंगवाया तुमने? ये 180 का एक है, 5 ml की बॉटल होती है ये 180 का, ये टेस्टर्स है। ग्लास की बॉटल है? हाँ ग्लास है। बेसिकली ये टेस्टर्स, इसकी पैकेजिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। इनका पार्टिंग की प्राइस होती है, ये फ्री नहीं आते। ठीक है, ओके। और ये सबसे बड़ा पैकेट की बारी आ गई है। अच्छा, ये सारा सामान हमने पैसा देके मंगवाया है, ये हमें कोई पीआर नहीं रिसीव हुआ है? नहीं, पीआर नहीं आया, ये पूरा पैसा मैंने अकाउंट खाली किया तब किया है। ये हमारा किया सबसे बड़ा पैकेट, क्या होगा इसमें? चलो खोलो खोलो जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या है? डांडिया। ये किचन स्टिकर्स है? ये किचन स्टिकर्स है, जो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी मारिया खाना बनाते हुए जला चुकी है चिकन स्टिकर्स को, तो हमने दोबारा से मंगवा लिए। ये किचन स्टिक्स है, और ये स्टिकर्स तुमने 399 के मिले हैं, 10 जनवरी तक सेल लगी हुई है। 399 का एक मिला है? एक 399 9 का। अच्छा चलो, बहुत सारे होते हैं, दराज में जाकर चिकन किचन स्टिकर लिखोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो आप प्राइस कर लो। मैंने ये मंगवाया। अच्छा, तो ये क्या बोलोगी आप, फाइनल करो जल्दी जल्दी। फाइनल क्या करूँ मैं, ये स्टिकर से मैं जब लगाऊंगी तब इसकी क्वालिटी बताऊंगी कि भाई के क्या है। परफ्यूम बेस्ट है, ब्रश बेस्ट है, नो डाउट। और अब चले बस, मैं अपना मिनी जो वैनिटी मैंने बनाई है उसमें ये सामान रखूंगी, और ये वाला जो है देखती हूँ कहाँ रखती हूँ, क्योंकि अभी किचन कब करेंगे, मानो किचन कब करेंगे, देखते हैं एक दो दिन में करते हैं। चले सभी का को फिश के कबाब जो है बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने हाफ के 1 kg में लेकर आई थी, हाफ के जी के उस दिन मैंने रेसिपी शेयर की थी बना के, और हाफ के जी जो है वो मैं अभी कबाब जो फिश रखी हुई थी मैंने सोचा चली थी उसके कबाब बना के ना फ्रोज़न कर देती हूँ। वो बहुत ज़िद कर रही थी कि फ़िश के कबाब जो है बना के रख दो ताकि मेरा जब दिल करे मैं उसको फ्राई करके जो है खा लूँ, क्योंकि उसको मैंने कहा ना बहुत अच्छे लगे, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं फ़िश के कबाब बना रही थी। चले जी, यहाँ पे जो है मछली के कबाब जो है वो बन चुके हैं, और ये देख लीजिए जी इतने सारे जो है कबाब बने, इसको जो है फ्रीजर में रख देते हैं इसके साथ ही। अच्छा जी प्लीज भाई, तुमने जो है कमेंट किया था कि ये जो है यही वाला हाइलाइटर है, और ये जो तुमने तरीका वगैरह बताया कि बिना मेकअप के भी यूज़ करूँ मैं और अच्छा लगेगा। चलो जी फिर ये हाइलाइटर जो है ख़रीदते हैं किसी दिन, और अभी थोड़ा सा कुछ दिन में खरीदते हैं कि कहीं और जाने का प्लान बने तो फिर मतलब खरीदते हैं। और थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा, क्योंकि तुमने जो मेकअप मैं जो मेकअप कर रही हूँ, तुम्हारे जो फाउंडेशन तुमने बताया सबको इतना पसंद आ रहा है, इतना पसंद, सब कोई उसकी तारीफ कर रहा है। और यहाँ पे मुझे कहना था समर हमाद भाई, लव यू इतने प्यार के लिए, इतनी मोहब्बत के लिए, थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखते हो, आप कॉमेंट करते हो, और इतने लव के लिए लुंडा मैंने बस क्या हो गया अगर बोल दिया तो, लव यू यार। और इसके साथ ही जो है मुझे यहाँ पे कहना था, और मुझे यहाँ पे कहना नगरीश खान, हाँ आज तो कराची, अच्छा तुम कह रही हो मुल्तान में जो है बहुत ठंडा हो गया है, क्या बात है भाई, इंजॉय करो सर्दी। और हाँ भाई आज तो है, आज कराची में काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी मज़ेदार सी मज़े की हवा आ रही है। और मुझे यहाँ पे कहना था गेम चेंजर, अच्छा इस सीज़न में ठंडा मतलब इतनी सर्दी में जो है सस्ता पड़ता है, क्या बात है भाई, लेकिन इतने सस्ते में भी अभी हम नहीं जा सकते ना, बस यार दिल तो इतना करता है जाने का, इतना एक लाहौर तक अपनी अम्मा को बोला वो लेके नहीं जा रही है हम लोग को, क्या बोले हम लोग, अब किसी दिन हम दोनों मैंने धरने पे बैठेंगे धरने पे। चले जी इसी के आप लोग के प्यार के लिए, आयशा अजहर भाई आपने मुझे लकी वन वाली वीडियो पे छुट्टी पागल कह दिया, तो भाई ऐसा नहीं बोला करें, ये पागल नहीं है, ये एक जुनून है। ये बेटों को तो आपने बहुत बार ये कहते सुना होगा कि हमें जो है अपने माँ बाप के लिए ये करना है वो करना है, घर बनाना है, ये बना है बनना, पर बेटी जो है पहली बार आपने ये ख्वाहिश देखी होगी कि बेटी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाह रही है, और इंशाल्लाह मैं बहुत कुछ करूँगी। बस इस तरह आप प्यार बनाए रखिए, साथ बनाए रखिए, क्योंकि मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं अपने माँ बाबा के लिए कर रही हूँ, मैं उनके लिए उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहती हूँ, उनकी खुशियों को जो है इसी तरह से बरकरार रखना चाहती हूँ। तो इस तरह से मतलब आप मुझे पागल नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ वो अपने माँ बाबा के लिए कर रही हूँ, और मुझे उनके लिए सब कुछ करना है, सब कुछ मेरा उन्हीं के नाम है और उन्हीं के ही होगा, और ये सब कुछ उन्हीं के लिए है। चले जी इसी के साथ ही जो है वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, नहीं किया अगर टिकटॉक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए, वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार जल्दी जल्दी यो यो, ताकि हम लोग भी जो है वो यो 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 करें। और इसी के साथ ही वीडियो करते हैं एंड, इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।